ए दुनिया रे प्रत्येक मनुष्य लक्ष्मी को खोजुछ, समृद्धि को प्राप्त करिया पाई चाहुछ, किंतु पाई पारुनी। काहे कि मनुष्य पैसा रो महत्व जाने, किंतु से गुरुंकर महत्व जाने कि से जीवन रो संपर्क रो महत्व कण से जाने कि लक्ष्मी प्राप्त करिया पाई हमें चाहुछ ती श्री समृद्धि ए समस्त जिनस हमें चाहुछ ती हमें चाहुछ ती हमें जीवन रे पैसा आसु स्वास्थ्य आसु संपर्क आसु किंतु केमिति ये जिनस हम केमिति प्राप्त हब आम जीवन में तीनोटी समस्या थाए आम जदि भला भाव देखा मोटामोटी आम जीवन में बहुत बड़ समस्या आकर जहाँ देखा जाए तीनोटी रकम गोटे हूँ स्वास्थ्यगत मानसिक शरीर जनित मन जनित बहुत लोग शारीरिक जंत्रणार पीड़ित बहुत लोग मानसिक जंत्रणार पीड़ित से माने दुखित चिंतित बिव्रत किछु लोग अर्थ चिंतार बिव्रत आउ किछु लोक संपर्क को नहीं पितामाता सहित संपर्क भल ना पितामाता पुत्रपति बहुपति संपर्क मनोभाव भल ना स्वामी स्त्री मध्य संपर्क भल ना पड़ोसी सहित संपर्क भल ना ये तीनोटी कारण मनुष्य असंतुष्ट रहिबार दुखित रहिबार शारीरिक मानसिक संपर्क एवं अर्थ समाधान केमिति मिलिब एथुरा आम मुक्ति केमिति पाइबा शरीर जंत्रणा आउछि चिकित्सक देखैबा जे चिकित्सा करि पारिब किंतु मनर जंत्रणा ताकु किए दूर करिब आर्थिक जंत्रणा ताकु किए दूर करिब पारिवारिक समस्या ताकु किए दूर करिब सेथिपई गुरु आवश्यक गुरुंकर मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक से समस्त जिनसर समाधान बाहर करि पारिबे आ मु सुदर्शन मिश्र सदा सर्वदा अमूल्य शिक्षा माध्यम रे आपनक जीवन में पूर्ण सफलता आसु सेथिपई प्रचेष्टा करूछ शारीरिक मानसिक आर्थिक सामाजिक एवं आध्यात्मिक समस्त सफलता आपन को प्राप्त हो जदि आपन को रोछ समस्या अछि कोनोसी भी प्रकार रो किछि भी समस्या आपन को अछि आपन जदि मते देखा करिया पई चाहुचंती एबे मु पुनर्बार काउंसलिंग आरंभ करछि लोकमान को देखा करी सेमानकर समस्या रो समाधान करिया पई जो मान चाहुचंती डिस्क्रिप्शन ने मेल आईडी अछि सेथिरे सेमानकर नंबर एवं सेमानकर समस्या लिखि परंती सेमानको कॉल करा हबो सेमानकर समस्यार समाधान बाहर आज आम एक सुंदर वीडियो माध्यम जानवा मनुष्य जीवन में संपर्क महत्व कौन आम कौ भूल करो तीनोटी भूल जो आम जीवन समृद्धि आसुना लक्ष्मी आम घर को आसुना आम घर सदा सर्वदा विभिन्न प्रकार समस्या लगि रही आसतु ए समस्त जिनस गोटे सुंदर कहानी मध्यम कौन कौन से अंचल में जन सेठ थे रामसेठ रामसेठ बहुत से पाख आख अंचल सबुआड़े बेपार खेले प्रचुर पैसा किदिन चलीगला रामसेठकर धीरे धीरे अर्थर लालसा मध्य पढ़ला से सदा सर्वदा समस्त जिनस को छाड़देले आगुरी प्रवचन शुणापी जाऊ गले गुरु का शिक्षा दीक्षित थे गुरु का मार्गदर्शन नौते छाड़दे सुंदर कार्यपाई किसी अर्थ उपयोग करते खर्च करते लोभ आईला ना आउ पैसा खर्च करें भल कम पैसा मध्य बचेले धीरे धीरे समस्त भल कार्य कटिगले गुरु ज्ञान को अनुसरण कले किद चलीगला रात्रि शोचार स्वप्न देखले लक्ष्मी माता स्वप्न कहते राम अरे सेठ मुझे तो घर छाड़ी जीवि बहुत दिन होगा तो घर रही दीर्घ 25 वर्ष है रही एवं छाड़देवि आउ इच्छा हो तो घर रही राम नीत भांगला रामसेठ तो संपूर्ण पगल केवल अर्थपाई समस्त जिनस तो अर्थपाई छाड़देला संपर्क छाड़देला गुरु का दीक्षा छाड़देला गुरु का मार्ग अन्वेषण करवा छाड़देला सुंदर कार्य किसी अर्थ दूसरा से समस्त जिनस बंद करदेला कहीं पैसा केवल बचीब लक्ष्मी रे जो शुणीदेला लक्ष्मी माता घर छाड़ चलिए पगल उठि पड़ला बसी पड़ला पचारा माँ आप कहीं छाड़देवे मो घर कहीं छाड़देवे ना रे बहुत दिन है संपर्क हो गला तो घर रही क्या भल लगुन मुझे चलीजी माता आप मत कही चीरदिन मो घर रे लक्ष्मी कहे ना मु चलचंचल मत जो जगार सुंदर लगे उपयोगी लगे से जगह मुझे रही तो घर आ मत उपयोगी लगुन ठीक अच्छे गला पूर्व ते गोटे जिनस करदे पारे बहुत दिन है तू मो सहित जोड़ी जाइ तेत गोटे दिन समय दौर गोटे दिन समय भितर तू कि गोटे भी जिनस मत मागु गोटे बर मागु मुझे तोर पूर्ण करदेवि तेत गला पूर्व दुखित करी ना ये चलीगले राम आउ कि कहवाई चाहूला सेठ आउ कि कहवाई चाहूला माता उभ गले
ପାଗଳ ଭଳି ଲାଗିଲା। କାରଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ, ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ତ ପଳାଇଯିବ, ଆଉ କ'ଣ ରହିବ? ସେଠର ଚାରୋଟି ବୋହୂ ଥିଲେ। ତହିଁ ପରଦିନ ଖାଇଲା ବେଳେ ଚାରିଜଣ ବୋହୂକୁ ଡାକିଲା, ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଚିନ୍ତିତ। ବୋହୂମାନେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ସେଠର ପ୍ରବଳ ପଇସା। ବାପାଙ୍କର ଏ ମନୋଭାବ ଦେଖି, ଏ ମନର ଦୁଃଖିତ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେମାନେ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ରାମସେଠ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ କହିଲା। ରାତିରେ ଏମିତି ମୋତେ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଲା, ଅର୍ଥଗୁଡ଼ାକ ଚାଲିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେ କହିଯାଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ବର କିଛି ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ କୁହ କ'ଣ ମାଗିବି? ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାତ୍ର ହାତର ବାକି ଅଛି। ସେଠର ପ୍ରଥମ ବୋହୂ କହିଲା, ବାପା ଯଦି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ଘର ଛାଡ଼ି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ଯଦି ଯିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଏଠି ଯେତେ ସୁନା ପଇସା ଅଛି ଆମକୁ ସବୁ ଦେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସେତିକି ଦେଇଦେଇକି ସେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋହୂକୁ ପଚାରିଲେ, ତମର କ'ଣ ରାୟ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋହୂ ଜଣ କହିଲା, ସୁନା ପଇସା ରଖିଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସରକାରକୁ ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚୋରି ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆମେ କହିବା ଯେତେ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଠି ଚାଲିଛି, ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ହେଉ ଶିକ୍ଷାଗତ ହେଉ, ସବୁଯାକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମକୁ ଦେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସେଥିରୁ ଆମେ ବହୁତ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା। ସେଠ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା। ତୃତୀୟ ଜଣକୁ ପଚାରିଲେ, ତୃତୀୟ ଜଣ କହିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ବଡ଼ ନାନୀ ଦୁଇ ଜଣ ଦଶ କହିସାରିଲେଣି, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ କହିବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଆମକୁ ପଇସାପତ୍ର ଗୁଡ଼ାଇ ଦେଇଯାଆନ୍ତୁ ସେ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ। ସେଠ ସଭାଶେଷରେ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ବୋହୂଟିକୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲା, ମା ତମର କିଛି କହିବାର ଅଛି? ଚତୁର୍ଥ ଜଣ କହିଲା, ମୁଁ ତ ସଭା ଶେଷ। ସଭା ଶେଷ କ'ଣ କହିବ, ତିନି ଜଣ ଯାକ ତ ସବୁ କହିସାରିଲେଣି, ମୋତେ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁନି। ସେଠ ଜଣ କହିଲେ, ତା ନୁହଁ, ତମେ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତମର ଏଠି ଅଧିକାର ଅଛି, ଛୋଟ କେହି ନୁହଁ, ସମସ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଘରେ ଛୋଟମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ ସେ ଘର ସ୍ୱର୍ଗ ସହିତ ସମାନ, କାରଣ ସେଠି ଅହଙ୍କାର ନଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଘରେ ଛୋଟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ସେ ଘର ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ସହିତ ସମାନ। ସେଠ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ସାନ ବୋହୁ ତଥାପି କୁହ। ସାନ ବୋହୁ ଜଣ କହିଲା, ଆମର ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ଇଏ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ, କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର, ହୀରାଲୀଳା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମାତାଙ୍କୁ କହିବେ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ସେ ଆଶୀର୍ବାଦଟି ହେଉଛି ଯେ ଆମ ପ୍ରତି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନସାରା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ, କାହାରି ସହିତ କେବେ ବି ଜୀବନରେ କେଉଁଠୁ ଅନମନ ହେବ ନାହିଁ, କଳହ ହେବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଇବେ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଠକୁ କାହିଁକି ତିନି ଜଣଙ୍କ କଥା, ବଡ଼ ତିନି ଜଣଙ୍କ କଥା ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ସାନ ଝିଅଟିର କଥା, ସାନ ବୋହୂଟିର କଥା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। କହିଲେ, ଦେଖିବା ଅନ୍ତରରୁ କାହିଁ କହୁଛି ଏ ସାନ ବୋହୂର କଥାଟା ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ସାନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଯାହାକି ବଡ଼ଙ୍କ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସେନି। ତହିଁ ପରଦିନ ସମୟ ଆସିଲା, ମାତା ଆସିଲେ, ଆସି କହିଲେ, ସେଠ ତୋର କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଛି କହ, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ସେଠ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା, କହିଲା, ମାତା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଚାଲି ଯାଇପାରନ୍ତି। ମାତା କହିଲେ, ଆରେ ତୁ କିଛି ଭୁଲ କଲୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଯାଇନଥାନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି, ଚାଲିଯିବାର କଥା ହେଲେ କେବେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି, ତୁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବା କଥା ସେ କର୍ମ କଲୁ ନାହିଁ, ଲୋଭାଶକ୍ତ ହୋଇଗଲୁ। କହିଲା, ମାତା କ୍ଷମା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଚାଲିଯିବେ ବୋଲି, ଆଉ କହିଥିଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ବର ଦେଇଯିବେ ବୋଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବର ମାଗୁଛି। ମା କହିଲେ, ମାଗନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଏତିକି କହିଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗଲା ପରେ ମୋ ସମ୍ପର୍କ ମୋ ପରିବାରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ, ମୋ ବୋହୂମାନଙ୍କ ସହିତ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ, ଆଉ ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ, ସତ୍ଗୁରୁ ସଦାସର୍ବଦା, ମୁଁ କହିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ, ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶ ପାତଳ ଫରକ ଅଛି, ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶ ପାତଳ ଫରକ ଅଛି। ଯେଉଁ ଗୁରୁ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଯେ ଶରୀର ସହିତ ନୁହଁ ଆତ୍ମା ସହିତ ଯୋଡ଼ିଏ ରହିଛନ୍ତି, ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ।
से भली गुरुंकर आशीर्वाद मो ऊपर रो मो ताको कथार परिचालित होवे। लक्ष्मी माता हतर सुनी आश्चर्य हेले, कलर सेट एक कथा तते के कहला, ए भली बर मागिया पई तते के कहला, मो अर्थर मालिक, मो समृद्धिर मालिक, तो पैसा मागिया कथा, अर्थ मागिया कथा, समृद्धि मागिया कथा, तू ए कोन मागुछु? सेठ सेतबे कहला, आपण तो चली जिबे, बड़ तीन बो जाक कहते अर्थ मागियापी मन भितर प्रश्न आसला, आपण गला परे हुए तो अर्थ मध्य डूबी जाई पारे, बेपार मध्य बुड़ी जाई पारे, अर्थ कौन से उपाय नष्ट हो जाई पारे, घर द्वार मध्य नष्ट हो जाई पारे, ये समस्त तो चिरस्थायी नुह, आपण नहाँ तो यह सब जिन रही मत कहीं सान बो ए गोटे जिनस कही जाइए आ मो मन को ये जिन भारी पाइला। से तो लक्ष्मी माता हसिले, से बहुत चलाक, से अत्यंत चतुर, से जानी मु कौ जगार रहे कौ जगार रहे ना, सी मत एपटे कहीदे चली जावाई कि सेपटे एमती फाश तैयारी एमती बंधन सृष्टि करांधी रही कि सेपटे से एमती गोटे सुंदर बंधन सृष्टि कर बाहरी जापरि ना मु सदा सर्वदा से घर छाड़ पारे ना जो घर सुसंपर्क थाए जो जगार ए तीनोटी जिनस थाए प्रथम जो घर व्यक्ति माने गुरु को अमूल्य शिक्षा चलती गुरु को सम्मान करती, द्वितीय जो जगह सदा सर्वदा संपर्क मधुर थाए पर आम रही छोट मोट किपे कि संपर्क न तुटी जावा दरकार, संपर्क सुदृढ़ होगा दरकार, आपंकर एमती मनीष होगा दरकार आपण आखपाखर खराब लोक मैंने देखे परिवर्तन हे संपर्क मध्य कई बाहरी जावा उचित नुह सुमधुर संपर्क रहा दरकार जो जगार एमती संपर्क था मुझे जापारे आ तृतीय जो जगार सदा सर्वदा लोक मैंने मिष्ट भाषी था सदा सर्वदा सुंदर वार्तालाप कर मन निर्मल था ये भाया स्थान केपारे आ तुम सान बो ए तीनोटी जिनस को मन रखी जाणी मु कौ जगार रहे सी ताको चालाक करी चतुर करी ए बरटी मागियापाई कह जे संपर्क सुंदर रो आदि संपर्क सुंदर रही है समस्त जो गुरु रास्तार चलिए गुरु मार्गदर्शन चलिए से मुझे रही बाध्य मुझे कमी चलजे एतिक माता उफे गले सेठ बहुत खुशी है आसी समस्त पुनर्बार डाकिला कहला अरे तुम्हें जान माता पुनर्बार आम घर रे समस्ते आनंदित समस्ते खुशी मनर था कारण माता आज जीवे ना कौथ जीवे ना ना ए तीनोटी जिनस को आम पुनर्बार सजाड़ देवा राम सेठ से दुखित हिसाब से समस्त को क्षमा मागिले कहले ये जिनस मु भूल कर लोभाशक्त हो गुरु का आदेश चलनी कौन से संपर्क मु ध्यान देनी सुंदर मिष्ट भाषा संपर्क सृष्टि करने का वार्तालाप से समय देनी से माता आज बाहरी जाते कहते मुझे घर छाड़ चल जी पुनर्बार मुझे प्रतिश्रुति जीवन सारा संपर्क महत्व को बुझी गुरु का मार्गदर्शन में चल और सुंदर वार्तालाप सुंदर मनोभाव देखी आपण ये कथा के राजी मुझे जाने कि आया हूँ सतसिद्ध मो गुरु कहते ए दुनिया रे धनी अत्यंत धनी लोक दुखी हो पारे किंतु गोटे गरीब लोक जदि जीवन प्रकृत शिक्षा जानी से सदा सर्वदा खुशी रही आप समस्ते देखिथे बहुत धनी लोक माने अच्छा जो मैंने बहुत बिव्रत बहुत चिंतित बहुत समस्या मध्य रही किंतु किसी मध्यमित पर एत आनंद अच्छी एत खुशी अच्छी जो जगह आप थे पहुँचला से आसवापी मन करेंगे ना प्रकृत लक्ष्मी कौटी अच्छा सेठी ना से मध्यमित पर लक्ष्मी अर्थ केवल पैसा नुह लक्ष्मी अर्थ हूँ शांति समृद्धि स्वास्थ्य आ शांति समृद्धि कौ जगार रो जगह संपर्क भल रर्थ थाए जब समस्त सहित संपर्क खराब अच्छे पु बाप को पचारे बाप पु को पचारे स्त्री स्वामी कथार ना स्वामी स्त्री कथार ना पे आप कथार चलू ना खाली बाहर को देखापी सीना अर्थ प्रदर्शन करवा कि तो मन मध्य तो हजार दुख थी आम क्या प्रकृत शांति प्रकृत खुशी बोली कह प्रकृत खुशी कह को अर्थ भी थी संपर्क भी मजबूत थी आज जगह संपर्क मजबूत था से जगार के अर्थर अभाव न था जो लोग गुरु का आश्रित था गुरु का आदेश नीति शिक्षा अमूल्य शिक्षा चलु थाए सुंदर वार्तालाप करता है जीवन केवे भी अर्थ अभाव पड़े आदि
गोटे लोक पाखे सब जिन थी से कटुवाक्य कहे संपर्क खराब कै सब अहंकार बशत हो सुंदर अमूल्य शिक्षा को आड़े चली जाए आपको कौन लगुच तो जीवन सारा लक्ष्मी रही है सहित सदा सर्वदा संपद रही के नुह तेनाली जापार कौटा हूँ गुरुत्वपूर्ण ए तीनो अमूल्य जिनस अच्छी अर्थ आपे आपे आकर्षित हम ता जीवन समृद्धि आपे आपे आकर्षित हम आशा कर गुरुत्वपूर्ण जिनसटा आपण समस्ते बुझे जीवन ने उपयोग करेंगे ए अमूल्य कहानी अर्थ को बुझे सदा सर्वदा निज जीवन में गुरु महत्व सुंदर वार्तालाप संपर्क को महत्व देवे लक्ष्मी श्री आपन को निश्चित भाव प्राप्ति हम ए वीडियो टी अन्य मानक सहित शेयर करेंगे जब सुंदर लगे लाइक करेंगे जब प्रथम तरफ मत शुणुंट मो सहित जोड़ा चाहूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आदि आप किसी समस्या अच्छी मत देखा करने चाहूँ समाधान करने चाहूँ डिस्क्रिप्शन मेल आईडी में आप नंबर और आप समस्या लिखि पठेबे पुणी आपण मान सहित देखा आसंता भिडियो जीवन किसी अमूल्य शिक्षा मध्यम किसी गुरुत्वपूर्ण बार्ता मध्यम आज ये धन्यवाद।